सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन पुलाव जो सौंफ और धनिया के साथों साथ बनेगा। तो अभी ये कैसे बनेगा आप देखिए कितनी मज़ेदार दिख रही होगी मेरी प्लेट। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक वे में और एकदम ही जिसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ एकदम आसान तरीके से आपको हमेशा मैं कोशिश करती हूँ रेसिपी शेयर करने। तो चलिए फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स और चीज़ें देखें कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक हंडी ले लेंगे, उसमें 8 से 10 चमचे तेल आपको ऐड करना है। इसी के साथ में आपको अच्छे गरम मसाले ऐड करना है। इसी के साथ जाएगा 2 बड़े चम्मच दो बड़े साइज़ का कांदा। आप मीडियम लेंगे तो 4 लीजिएगा, बड़े लेंगे तो 2 लीजिएगा। इसी के साथ मैं ना देखिए मैंने कांदा जैसी डाली, इसी के साथ मैंने आलू भी डाल दी हूँ क्योंकि मेरी जो खाला जान है ना हमेशा इसी तरीके से बनाते, तो मैं हमेशा उनको देखती हूँ तो उनकी मेथड से बना रही है। तो आलू इसके लिए हमें डालना है कि आलू है ना जल्दी से गल जाते इसमें इस वजह से। तो देखिए मेरा जो आलू और कांदा है जो अच्छी तरह से भून रहा है, हल्का सॉटे हो जाएगा तो आप इसमें है ना फटाफट से 2 बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देना। टमाटर छोटे रहेंगे तो 4 लीजिएगा और बड़े रहेंगे तो 2 लीजिएगा। इसी के साथ 8-10 दड़दड़ी हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 अदरक लहसुन का पेस्ट आपको डाल देना है इसके अंदर। इसी के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिल जाएगी मसाले यानी भूल जाएंगे तो आप इसमें है ना मेन इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। इसमें नमक तो पहले जाएगा मेरा, और इसी के साथ साथ है ना मैंने जो सौंफ और धनिया बोली थी ये पुलाव पूरा सौंफ और धनिया के ऊपर बेस है। तो सौंफ और धनिया हमको है ना 3 से 4 चमचे ऐड कर देना है। सौंफ धनिया जितना डालेंगे उतना अच्छा लगेगा आपका ये पुलाव। इसी के साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। इसी के साथ अभी आगे जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 किलो से 1.25 किलो मेरा चिकन है। आप ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं या आप 1/2 किलो की क्वांटिटी भी बना सकते हो। तो मैं अभी इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन मेरा अच्छी तरह से भून जाएगा तो अभी ना मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसमें हमें ना ऐड कर देंगे हमारा दही। तो दही मिनिमम कितना जाएगा आप देख सकते हैं, पहले कलर चेंज होते आ गया मेरे चिकन का तो वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसमें ना मैंने 100 ग्राम दही ऐड करी हो। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा तो आप क्वांटिटी दही की भी ज़्यादा ले सकते हो, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप कम लीजिएगा। तो अच्छी तरह से मैं इसमें ना दही मिला लूँगी। दही जब अच्छी तरह से मिक्सचर हो जाएगा फिर इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छा पकने देंगे। देखिए चिकन और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं तो इसमें अभी हम ऐड कर देंगे पानी। तो चावल जो है ना मैंने 2 गिलास ली थी तो 2 गिलास चावल लेंगे तो 4 गिलास पानी डाल लें, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ, अगर आप 1 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी डालिएगा। तो इसी के लिए बस इसमें पानी डाल देंगे। और इसमें ना नमक की कमी लग रही थी मुझे तो नमक डालना ज़रूरी था, तो आपको आप अपने अंदाजे से हमेशा नमक इसमें डालिए। पानी में जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक आपको इसमें हमेशा पकने देना है ढक्कन आके। और इसमें फ्रेश कोरिएंडर हम लोग ऐड कर देंगे यानी हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्ची। देखिए पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, चावल मैंने भिगो कर रख दी, चावल को 2 से 4 बार मैंने धो दी हूँ। सारा चावल अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, चावल ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और नमक एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा। नमक अच्छी तरह से चेक कर लेंगे आप लोग तो क्या टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है सौंफ धनिया कम लग रहा है तो आप थोड़ा और 1-2 चम्मच ऐड कर देना। मुझे परफेक्टली लग रहा था इसके लिए मैंने इसमें नहीं ऐड करी। देखिए जोश अच्छी तरह हो गया, चावल लग गए, थोड़ा पानी और अब्जॉर्ब होना है, हमें वेट करना है। देखिए जब इस पोजीशन पे आपका राइस आ जाएगा ना पुलाव का तो आप एक दम की तैयारी करना। आप दम कैसे लगाएंगे, बहुत से लोग क्या है गैस को स्लो कर देते, बट मैं हमेशा तवा प्रीफर करूँगी, इससे आपका जो चावल है ना पुलाव का जलेगा नहीं। ऐसा तवा ले लीजिए, कोई भी तवा ले लीजिए रोटी का, और इसमें ना आप हंडी रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे आपको रखना। मैं आपको पैक करके भी दिखाई हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी मज़ेदार सौंफ धनिया का पुलाव रेडी हो चुका है चिकन वाला। तो आप लोग खाइए, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई भी रायते के साथ आप लोग इसे खा सकते हैं।
और मज़े से खाइए, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करिए, टैग करिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ में। तो आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा पुलाव बनाकर ज़रूर खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। तो चलिए आपका कम वेल देते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।